वो पूरे देश में एग्जाम्स हो रही हैं और कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो तो पूरे देश के विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने और तमाम नेताओं ने ये मांग की है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार को नीट और जेईई की एग्जाम नहीं करानी चाहिए। मैं समझता हूं इसके ऊपर हम लोग कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी 11 बजे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों की भी तरफ से जो केंद्र के सरकार के जो कार्यालय हैं उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे कि केंद्र सरकार पुनर्विचार करे और इस एग्जाम को स्थगित करे कोरोना संक्रमण को देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की जो बैठक है उस बैठक में तय किया गया कि वर्तमान की राजस्थान सरकार जन विरोधी कार्य करी है और जनता से जुड़ी हुई जो समस्या है उनका समाधान करने की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने तीन कार्यक्रम तय किए हैं। 28 अगस्त को जो जीएसएस हैं, जो आपके जेएन ऑफिस हैं, आईएन ऑफिस हैं या एक्शन ऑफिस हैं, वहां सिर्फ बिजली की समस्याओं को लेकर, बिजली के बढ़े हुए बिलों को, त्रुटिपूर्ण बिलों को, जो वीसीआर भरी गई है उनको, इन सब को लेकर ज्ञापन देना है और धरना देना है। और दूसरा कार्यक्रम 31 तारीख को जितने भी राजस्थान के उपखंड अधिकारी हैं उन उपखंड अधिकारियों को स्थानीय जो भी समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, टीडी की समस्या हो, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार के अंदर चली थी उन सब योजना लोक कल्याणकारी योजनाओं को सरकार ने बंद करने का काम किया हो उसका ज्ञापन 31 अगस्त को उपखंड अधिकारियों को देना है। और इसी तरीके से 2 तारीख को विधायक, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष माननीय सांसद महोदय, ये सब मिलकर जिला कलेक्टर को जिले की तमाम समस्याओं को और प्रदेश की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। ये तीन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं और आने वाले समय के अंदर सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध भी दर्ज करेंगे और आम जनता को उससे अवगत भी कराने का काम करेंगे।